भिक्षाम देहि अली साईं को भिक्षा दिया साईं से मिलने आप नहीं आएंगे मैं मसरूफ हूं मसरूफ या फिर परेशान क्योंकि औरों की तरह साईं आपके बाजे की तारीफ नहीं करते उस शख्स से मिलने का समय है आपके पास जो साकोरी से आपके लिए न्योता लेकर आया था लेकिन साईं जैसी शख्सियत से मिलने का वक्त नहीं वाह ये लोग कभी नहीं समझेंगे खैर आज इसे अच्छे से चमकाना होगा कल साकोरी में बड़े बड़े इज्जतदार लोग होंगे लेकिन ये ग्रामोफोन और मैं वहां आकर्षण का केंद्र आज इस वक्त भिक्षा साईं कोई खास बात है बहुत खास वजह है आज मुझे भिक्षा में गुड़ चना मिल सकता है जरूर साईं अली ले आओ साईं आज गुड़ चना ही क्यों मेरे साथ चलो और खुद देख लेना पता नहीं साई कहां ले जा रहे हैं हमें शाम होते ही सर्दी महसूस हो रही है कंबल ओढ़ के निकलना चाहिए था साईं एक बात कहनी थी मन बहुत अशांत रहता है उस बाजे ने तो जैसे इन पर जादू कर दिया है साईं न खाने का होश है और न ही काम का नमाज पढ़ने भी नहीं जाते और द्वार का माई भी नहीं समझ में नहीं आता साईं क्या करूं चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह हो शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम ओ जिसके हृदय दया भरी हो करुणा मैं जो सर्वोपरि हो
निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा शुक्रिया साई, आपके कारण ठंड लगनी बंद हो गई। खेत से घर जा रहा था, थकान के कारण थोड़ी देर यहाँ बैठ गया, मगर कड़ी ठंड की वजह से हाथ पैर अकड़ने लगे। साई, अगर आज आप नहीं आते तो शायद मैं घर तक भी नहीं जा पाता। बाबा, लेकिन इतनी ठंड में आप बिना गर्म कपड़ों के बाहर क्यों आए? बेटी, तुम तो जानती हो मैं एक गरीब किसान हूँ। जो कुछ कमाता हूँ वो मेरा और मेरी पत्नी का पेट भरने में ही खर्च हो जाता है, तो भला मैं गर्म कपड़े कैसे खरीदूं? अच्छा साई, अब मैं चलता हूँ, घर पर पत्नी इंतजार कर रही होगी। ऐसे लोगों की मजबूरी देखकर दिल भर आता है, कि हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते? इनकी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो रेहाना, इनकी ही क्यों, इनके जैसे और कई लोगों की मदद कर सकती हो तुम। ऐसे जरूरतमंद शिरडी में कई हैं, सबका हाथ अपने हाथ में लेना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उनकी ओर मदद का हाथ बढ़ाना ये तो जरूर कर सकते हैं हम। वो कैसे साईं? ये मौका तुम्हें पहले ही मिला हुआ है रेहाना, काका साहेब दीक्षित द्वारा। कंबल जल्द से जल्द तैयार करवाओ, ये सर्दी अब ऐसे ही बढ़ेगी। साईं, आजकल काम का सारा भार मुझ पर ही आ गया है, इसलिए थोड़ी देर लग रही है। मुझे भी खेत जाना पड़ता है, वरना अम्मी की मदद जरूर करता। और बच्चे अब्बू, उन्हें ग्रामोफोन लेकर इधर उधर घूमने से फुर्सत ही नहीं है। मुझे लगता है अब जल्दी हो जाएगा साईं। उन्होंने कहा है कल साकोरी से लौटते वक्त मजदूरों को ले आएंगे मदद के लिए, तो एक दो दिन में काम हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता उनका ये जुनून कब खत्म होगा। रेहाना, क्या तुम जानती हो पत्नी को पति की अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है? जैसे शादी के बाद दो शरीर एक आत्मा हो जाते हैं, वैसे ही एक जोड़ा एक इकाई बन जाता है। जब दो पहिए गाड़ी में जुड़ जाते हैं तो वो हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। पति पत्नी भी वैसे ही एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं। अगर उनमें से एक बहक जाए तो दूसरे का दायित्व है उसे संभाल। रेहाना, सलीम को सिर्फ तुम ही सही रास्ते पर ला सकती हो, बस तरीका ढूंढने की देर है। ठीक है साईं, मैं अपनी हद में रहकर हर वो तरीका अपनाऊंगी और जरूरत पड़ने पर सख्त भी बनूंगी, लेकिन हो जाएगा ना साईं? अल्लाह मालिक।
मैं साकोरी जा रहा हूं। आते वक्त मजदूर याद से लेते आइएगा, हमें जल्द से जल्द कंबल बना के देने हैं और ठंड तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में दान के उद्देश्य से बन रहे कंबल जितनी जल्दी जरूरतमंदों तक पहुंच जाए उतना ही अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, मैं भूलूंगा नहीं। सारे मटके ले आए? हाँ हाँ, सारे मटके ले आया हूँ, अब चाहे तो गिनती कर लीजिए। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है काका। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। काका, दीक्षित वाड़े के लिए मटके ले रहे हो? नहीं, दीक्षित वाड़ा के लिए नहीं, पास की आदिवासी बस्ती के लिए है, दान सेवा में भिजवाने हैं। आपके लिए छाँट छाँट कर मटके लाया हूँ, ये इतने टिकाऊ मटके हैं कि वर्षों काम आएंगे। ठीक से जांच परख कर लेना काका, इन मटकों की गुणवत्ता जरूर सुनिश्चित करना। ताकि दान की गुणवत्ता भी बनी रहे। जी साईं, मोल दे रहा हूं तो समझौता नहीं करूंगा, भले ही वस्तु दान के लिए क्यों ना देनी हो। आप निश्चिंत रहिए दीक्षित जी, मैं जांच पर रख के ही लाया हूं। जानता हूं, लेकिन अगर साईं ने कहा है तो तसल्ली के लिए सही, जांच तो होनी चाहिए। हाँ, मैं जांच कर लेता जी। सही है। ये तो चटका हुआ लगता है। यहाँ रखिए, हाँ, और इनके लिए भी। स्वागत है आपका। ये है शिरडी के सलीम। मैं किसी काम से शिरडी गया हुआ था, वहां इनके और इनके ग्रामोफोन के बारे में सुना, इसलिए इन्हें यहाँ बुलाया है। वाह, इतना मान, इतनी इज्जत, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी, और आज ये सब किसी सपने की तरह लग रहा है। आइए सलीम। स्वागत है आपका। हरिओम। हम आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ आइए। हाँ, खाना लगने वाला है। हाँ बैठिए। हरिओम 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 हर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, आधे से ज्यादा खराब निकले।
मुझे माफ कीजिए दीक्षित जी, वक्त कम था इसलिए जल्दबाजी में बनाया और सही से जांच भी नहीं कर पाया। मेरा यकीन कीजिए, धोखा देने का इरादा नहीं था मेरा, सच में। जो भी काम करो पूरी लगन और मेहनत से करो। अगर कोई तुम्हें तुम्हारे काम के लिए पैसे दे रहा है तो उस व्यक्ति को धोखा देना भले ही अनजाने में किया गया हो सही नहीं है। काका को पता था कि जांच कैसे करते हैं, लेकिन अगर किसी को परखने का तरीका पता ना हो तो उसे तो तुम गलत सामान बेच दोगे ना। साईं, अब से मैं अपना काम पूरा ध्यान लगाकर करूंगा। और दीक्षित जी, बाकी के सारे बचे मटके मैं शाम तक भिजवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अच्छे से जांच परख कर ही लाना। जी साई, अच्छा जो आपने मुझे आगाह कर दिया, वरना मैं बिना जांच परखे ही सारे मटके ले लेता। आपके मार्गदर्शन से ही ये काम पूरा हुआ है। काका, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। जिस तरह तुमने इस कुमार को तय समय पर मटके लाने के लिए कहा, उसी तरह सलीम से भी कहना। अगर जरूरतमंदों को सही समय पर कंबल नहीं मिले तो क्या फायदा? सर्दी बढ़ रही है, इसलिए जरूरतमंदों को जल्द ही कंबल मिलने चाहिए। मैं जोर किस लिए दे रहा हूं इसका कारण तो तुम भी जानते हो काका। सलीम, आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए। बैठ जाइए। क्या हुआ सरकार? क्या हुआ? आपने तो कहा था आपके यहाँ प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया गया है, तो यह कंबल बेचने वाला यहाँ क्या कर रहा है रामदास जी? सरकार, सलीम भी मेरे मेहमान हैं। जब सीढ़ी गया था लोग इन्हीं की चर्चा कर रहे थे, और मुझे यकीन है ये एक संपन्न व्यक्ति हैं। इनके आने से और संगीत बजने से ही तो महफिल में रौनक आई है। काहे की रौनक? एक छोटा सा बाजा मिल जाने से कोई प्रतिष्ठित नहीं बन जाता और ना ही संपन्न कहलाने के योग्य बन जाता है। जिस किसी ने आपको सलीम के बारे में कहा है उसने आपको भ्रमित किया है, झूठ कहा है आपसे। अरे मैं जानता हूं इसको, 2 कौड़ी का व्यापारी है ये, कंबल बेच के पेट पालता है अपना। यदि आपने इसका घर देखा होता तो आपने यहां इसे आमंत्रित नहीं किया होता। सरकार, घर चाहे जैसा भी हो, ये चाहे जो भी हो, पर मैंने इन्हें बुलाया है। इस वक्त ये हमारे मेहमान हैं। इस नाते यहां इनका उतना ही हक है जितना आपका या और किसी का। रामदास जी ठीक कह रहे हैं सरकार, वैसे भी किसी के घर में आकर उसके अतिथि का अपमान करना आपको शोभा नहीं देता है। अतिथि तो यूं भी देवता स्वरूप होता है, आप गुस्सा थूक दीजिए। बैठ जाइए सरकार। इस फर्टीचर के साथ बैठूं मैं? अरे हट। कभी नहीं, प्रतीत होता है ग्रामोफोन देख के आप सब लोगों की मति मारी गई है। मैं सत्य जानता हूं और इसे मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अभी भी समाज के नियमों का पालन करता हूं और शिरडी में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। हरिओम। माफ कीजिएगा सरकार, भले ही आपके पास ओहदा बड़ा हो पर अब सलीम भी किसी से कम नहीं रहे। भले ग्रामोफोन के कारण हो, लेकिन आज शिरडी के आसपास गांव में भी इनके चर्चे होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुझे भी आज एक बहुत जरूरी काम था, लेकिन मैंने जैसे ही सुना कि सलीम अपने ग्रामोफोन के साथ आ रहे हैं तो मैंने अपना वो जरूरी काम रद्द कर दिया और यहाँ आ गया संगीत सुनने। आप लोगों की मति मारी गई है लेकिन मेरी नहीं। ऐसे फटीचर लोगों के साथ बैठना मेरे सम्मान के विरुद्ध है। अगर सलीम यहां रहेगा तो मैं यहां नहीं रहूंगा।
आपकी मर्जी सरकार, पर सलीम यहां से नहीं जाएंगे। ठीक है हरिओम। सलीम, कुलकर्णी सरकार के व्यवहार के लिए मैं माफी मांगता हूं। आप माफी क्यों मांगते हैं रामदास जी? आपने और आप सभी ने आज मुझे जो इज्जत दी है वो मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा। ये तो आपका बड़प्पन है बेटी। काश तुम लोग ये देख पाते रेहाना और अली, तब शायद समझ पाते कि मैं क्यों इस ग्रामोफोन को इतना मानता हूं। अब तो घर लौटने और यहां जो घटना घटी है उसके बारे में सब कुछ बताने का बेसब्री से इंतजार है मुझे। सलीम का ध्यान कहीं और है, उसके पीछे पड़ना होगा। आप सही कह रहे हैं साई, इस कुमार की बात और है, लेकिन सलीम भाई तो अपने हैं, उनसे बार बार कहना अच्छा नहीं लगेगा। काका, कचेरी में तुम कभी कभी सख्ती से पेश आते हो ना? जी साई, उस समय मैं वहां अभिवक्ता होता हूं, लेकिन यहां मामला अलग है। मामला भले ही अलग हो, मकसद तो नहीं। काम में सख्ती बरतने की वजह से तुम समाज में ऐसे बदलाव ला पाए जिसे दूसरों का भला हुआ। तुम्हारी इसी सख्ती से जरूरतमंदों का भी भला होगा। ठंड से ठिठुरते लोगों का जीवन तुम्हारी वजह से आसान हो जाएगा काका, इसलिए दुविधा छोड़ो और काम को प्राथमिकता दो। काका, अगर तुम्हें असहजता हो रही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर ऐसा है तो ठीक है साई।